ओल्ड पेंशन बहाली के लिए धर्मशाला में आज आम आदमी पार्टी ने जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से आप पार्टी ने जयराम सरकार को ओल्ड पेंशन को बहाल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। अगर प्रदेश सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी ने इस बात की गारंटी दी है कि हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार बनने के तुरंत बाद प्रभाव से ओल्ड पेंशन को बहाल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि पहले काफी लंबे समय से ओपीएस की बहाली के लिए कर्मचारी धरने पर बैठ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। पंडित ने आश्वासन देते हुए कहा कि केजरीवाल की गारंटी है कि जैसे ही प्रदेश में सरकार बनेगी और पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। देखिए, आज हमारा ये जो प्रदर्शन है ये ओपीएस के समर्थन में है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मांग की है कि ओल्ड पेंशन स्कीम देश के हर कर्मचारी का अधिकार है और इसे वोटों की राजनीति और क्षेत्रवाद से ना जोड़ा जाए कि जहां चुनाव हो वहीं बात हो। और इसी मुद्दे को लेकर के आज हमने एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय को, साथ ही हमने समर्थन पत्र दिया है हमारे ओल्ड पेंशन के समर्थन में बैठे हुए कर्मचारियों को। हमने एक सप्ताह का समय दिया है केंद्र और प्रदेश की जयराम सरकार को, केंद्र की मोदी सरकार को, कि आपके पास एक सप्ताह है, अगर आप लागू कर सकते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए। कल को आप ये मत कहिए कि हमने राजनीति के लिए किया है। एक सप्ताह में ये सरकार लागू नहीं करती है तो ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी होगी कि प्रदेश में सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेगी। डॉक्टर राजन सुशांत ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही सरकारें कर्मचारियों को अनदेखा करती रही हैं और इस बार जब चुनाव आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार की घोषणा कर रही है, लेकिन इतने दिनों से ओल्ड पेंशन को बहाल क्यों नहीं किया गया। डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, या तो इनको किसी प्रकार का डर सता रहा है या फिर इन विधायकों को लगता है कि कांग्रेस की नैया अब पूरी तरह से देश और प्रदेश में डूबने वाली है। इस बारे में हमारा ये कहना है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आज आम आदमी पार्टी की ओर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर ओपीएस के समर्थन में रैली निकाली गई है। उसी के उपलक्ष्य में कांगड़ा जिला में धर्मशाला में रैली निकाली है। पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और नेता यहाँ बुलाए थे और हमें यहाँ समर्थन भी दिया है धरने पर आकर के। हमारा कहना है और मुझे प्रसन्नता है, जिस बात के लिए हम बड़े समय से जद्दोजहद कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, धरना दे रहे थे, हमारे सुप्रीमो आदरणीय केजरीवाल जी ने वो बात का आश्वासन नहीं दिया बल्कि कह दिया है कि जयराम सरकार एक सप्ताह के अंदर अंदर ओपीएस लागू करे, अन्यथा हिमाचल में सरकार बनने पर हम इसको लागू करेंगे। अब 300 दिन का समय दिया है तो मैं प्रदेश की जनता से भी अपील करता हूँ और विशेष तौर पर कर्मचारी भाई और बहनों से, अब दुविधा में ना रहें और एक तरफा वोट केजरीवाल जी के विश्वास पर आम आदमी पार्टी को दें, ताकि जिस तरह से केजरीवाल जी ने अपनी गारंटियां पूरी की हैं दिल्ली के अंदर और 6 महीने के बड़े थोड़े से समय भगवंत मान जी ने पूरी की हैं, तो हिमाचल में भी हम पूरी करने में कामयाब हों। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।